हे पीपल, वेलकम टू अनदर कूल वीडियो मिस्टर ऑनलाइन डिफ्रेक्शन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक टेस्ट कैमरा यानी DSLR वर्सेस फोन के कैमरा क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी के बीच का। सो गाइस, इसमें कितना डिफरेंस है ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और गाइस, मैं ये टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेने जाने वाला था एक DSLR। मेरे फ्रेंड ने बोला कि भी DSLR क्यों ले रहा है, तू एक फ़ोन ले ले। फ़ोन में भी आजकल DSLR वाले कैमराज आते हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो गाइस, इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूं। और आज हमारे पास है कैमरा में यानी DSLR में, आज हमारे पास है 80D कैनन का 80D, और फ़ोन में हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस यानी कि जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और उसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो उसका लुक लेते हुए हम देख लेते हैं इस वीडियो को कि भाई कैसा वो कंपैरिजन निकला है और कैसी वो वीडियो बनाता है और कैसी हमें ऑडियो आउटपुट देता है। सो गाइस, फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक कैमरा वर्सेस फ़ोन के बारे में एक बात बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है जब अगर आप एक DSLR लेने जाते हो और एक फ़ोन लेने जाते हो। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। गाइस, अभी जो आप कैनन 80D वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस की कंपैरिजन या टेस्ट देखने वाले हो, उसको मैंने सेम कैमरा सेटिंग के साथ सेट किया है। यानी फ़ोन की और DSLR की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग है उसको मैंने बिल्कुल सेम रखा है, यानी 1080 पर 60 फ्रेम पर सेकंड पर मैंने जो रखा है दोनों की रिकॉर्डिंग क्लियरिटी को और सेटिंग को मैंने बिल्कुल सेम रखा है। ये जो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम सेटिंग है। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस, देख सकते हैं आप कैनन 80D वर्सेस S9 प्लस, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बस सेम ही है, लेकिन बस ये कि ब्राइटनेस का थोड़ा सा फ़र्क है और कंट्रास्ट का थोड़ा फ़र्क है। ये मैंने फिल्माया था शाम को, इवनिंग में 5 o'clock यानी शाम को 5 बजे के करीब मैंने ये शूट जो है किया था। और जो है S9 प्लस भी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, बस ये कि जो 80D है उसका फोकस काफ़ी फास्ट है और अच्छा है और आप कंट्रास्ट में भी फ़र्क देख सकते हैं। सो इस तरह का इसका कुछ कंपैरिजन है। अभी आप इसकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आप देखिए ये जो साइड में राइट हैंड पर है ये आप देख रहे हैं फ़ोन की, और जो लेफ़्ट हैंड पर जिसका बैकग्राउंड ब्लर है वो है कैमरा से ली हुई पिक्स यानी 80D की। तो आपको फ़र्क तो पता चल ही गया होगा गाइस। सो गाइज, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है सैमसंग S9 प्लस की। और गाइज, अभी मैं आपको इन दोनों का जो है वॉइस क्लियरिटी दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे इसकी वॉइस जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में आती है, कितनी नॉइज़ आती है और कितनी नॉइज़ नहीं आती। वैसे तो गाइज नॉइज़ सॉफ्टवेयर के द्वारा हटा दी जाती है, बट अगर नहीं भी हटानी हो आपको नेचुरली शूट करना हो तो कितनी वॉइस आती है वो मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये है सैमसंग S9 प्लस में। और गाइज, अभी मैं स्प्लिट करने वाला हूँ कैनन 80D जो DSLR है मेरा उसके माइक में। सो गाइज, अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये है कैनन 80D की, और कैनन 80D में कुछ इस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड होती है। सो गाइज, आपको पता चल ही रहा होगा और आपको स्क्रीन के साइड में भी दिख जाएगा कि जिस माइक से ये शूट की जा रही है वीडियो उसका मॉडल नंबर आपको साइड में स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। और गाइज, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको कंपैरिजन। अभी आप आवाज़ जो सुन रहे हैं वो जो है सैमसंग S9 प्लस की है, और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है कैनन 80D की। सो गाइज, और सैमसंग S9 का कैमरा जो है थोड़ा शेक हो रहा है क्योंकि ये मैं हाथ से पकड़ा हुआ है, और जो DSLR है वो मैंने ट्राईपोड पर माउंट किया हुआ है। और गाइज, अभी जो आप ये स्क्रीन थोड़ी हिलती हुई देख रहे हैं सैमसंग S9 प्लस की, वो इसलिए ले रहे क्योंकि मैं ये हाथ से शूट कर रहा हूँ, और DSLR इसलिए नहीं मूव हो रहा क्योंकि ये मैं ट्राईपोड से शूट कर रहा हूँ। सो गाइज, आपको पता चल ही गया होगा कि वॉइस जो क्लियरिटी जो है वो किस तरह की आती है सैमसंग S9 में और कैनन 80D में। सो गाइज, ये कुछ इस तरह का कंपैरिजन था। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने देख लिए वो एग्जांपल्स और वो टेस्ट, जैसा कि वीडियो
क्लियरिटी और ऑडियो क्लियरिटी और फोटोज भी आपने देख लेंगे किस तरह के फोन से और कैमरा से हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। और गाइज जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको फोन जब आप लेने जाओगे या DSLR आप लेने जाओगे, इन दोनों को छोड़िए, आप एक कैमरा लेने के लिए जाओगे, यानी कैमरा के पर्पज से आप एक फोन खरीदना चाहते हो या DSLR खरीदना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो दोनों के बीच में, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ गाइज, अगर आप एक सुपर बाइक लेने जा रहे हो तो आप प्लैटिना तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहोगे। तो गाइज DSLR होता है, ओके गाइज गोट इट, DSLR होता है, यानी अगर आप एक DSLR खरीदने जा रहे हो तो आप DSLR ही खरीदिए, ये मत सोचिए कि वो फ़ोन है 4K फाइल जो है शूट करता है, सुपर स्लो मोशन शूट करता है तो हम उसको खरीद लेते हैं, वो हमारे DSLR का काम पूरा कर देगा, नहीं गाइज DSLR होता है और फ़ोन होता है। तो अगर आप DSLR लेने जा रहे हो तो आप DSLR खरीदिए, अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हो तो DSLR बिल्कुल भी मत खरीदिए। सो ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाओ, ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।